महोदय, आज सुबह मैंने अपने ऑफिस में कहा कि डिविजनल कमिश्नर जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है उससे बात कराएं, तो दो मिनट के बाद पीए का फोन आता है, जी डिविजनल कमिश्नर तो है नहीं। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि है नहीं, मतलब जी है ही नहीं कोई। तो मैंने कहा डिविजनल कमिश्नर रेवेन्यू सेक्रेटरी जितने भी दिल्ली में डीएम है, जितने एसडीएम है, एडीएम है, तहसीलदार पटवारी तक के, उनका पूरा कंट्रोल पूरा सुपरविजन रेवेन्यू सेक्रेटरी करता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि दिल्ली में रेवेन्यू सेक्रेटरी और डिविजनल कमीशन नहीं है? तो मैंने कहा दोबारा चेक करो। तो फिर मैंने जो सेक्रेटरी हैं, दानिश ऑफिसर हैं, जो मेरे साथ अटैच्ड हैं, जीपी सिंह, उनको मैंने कहा भी डिविजनल कमिश्नर कौन है आज के दिन? तो उन्होंने कहा जी बड़ा कंफ्यूजन है, कुछ नहीं पता कि कौन रेवेन्यू सेक्रेटरी है। और पिछले लगभग, ये बड़े बड़ा गंभीर विषय है और बड़े आश्चर्य की बात है कि पिछले लगभग 15 दिन से यही कहानी चल रही है कि रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है रेवेन्यू मिनिस्टर को नहीं पता। 30 जून को तो ये सारा जो मुझे अभी जो समझ में आ रहा है, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने भी कहा कि ऐसे माहौल बना दो, ऐसे हालात पैदा कर दो कि पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठप हो जाए। डिविजनल कमिश्नर का जो एक्चुअल चार्ज है मनीषा सक्सेना जी के पास है, उनको चाइल्ड केयर लीव सैंक्शन की गई 30 जून से लेके 20 जुलाई तक। 21 जुलाई को मनीषा जी ज्वाइन नहीं करती और अपना जो लीव है अपनी एक्सटेंड कर लेती है मेडिकल रीजन पे। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि किस मेरे ख्याल से बड़ी जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है उसके तहत जो ये बिल्कुल निश्चय कर लिया है कि दिल्ली सरकार में काम नहीं होने देना। इसके बीच जी नरेंद्र कुमार, जो कि लेबर लैंड एंड बिल्डिंग के भी सेक्रेटरी हैं, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया। इसके बीच एक कैबिनेट नोट आना था, एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो हमने कहा था शहीदों को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। शाम को 7 बजे कैबिनेट नोट आता है तो डीसी हेडक्वार्टर कहते हैं जी साइन किससे करानी है। तो मैंने कहा भी तुम डीसी हेडक्वार्टर हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि साइन कौन से रेवेन्यू सेक्रेटरी से करानी है। कह रहे जी मुझे नहीं पता। शाम को 7 बजे चीफ सेक्रेटरी को मैंने फोन किया कि जी ये बताएं आपकी रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है, कौन इस पे साइन करेगा। तो उसके बाद एक नया नाम उन्होंने दिया, एच राजेश प्रसाद, जो कि वैट कमिश्नर है। उसके बाद पूरे सदन को मालूम है कि यमुना में पानी का स्तर बढ़ने के कारण जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज थे उन पे लगातार हम बार बार जा रहे थे ये देखने के लिए कि किसी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और जो लोगों ने अपनी झुग्गी झोपड़ी छोड़कर जो रिलीफ कैंप्स में थे, तो 30 जुलाई को मैंने मैसेज दिया कि जो वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज है वहां इंस्पेक्शन के लिए मैं जाऊंगा। ये सुबह 10 बजे की बात है। तो पता चला जी रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है ये पता नहीं, क्योंकि राजेश प्रसाद जी जो है वो कहते हैं जी मुझे तो ऑर्डर ही नहीं मिले कोई अभी तक।
फिर दोबारा मैंने चीफ सेक्रेटरी को फोन किया जी इंस्पेक्शन पे जाना है और काफी गंभीर विषय है। दो अगस्त को सर्विसेज एक ऑर्डर निकालता है जिसमें कहा गया कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर इज प्लीज टू ऑर्डर दैट एच राजेश प्रसाद कमिश्नर शैल लुक आफ्टर द चार्ज ऑफ सेक्रेटरी एंड कमिश्नर टिल 2 अगस्त एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी लैंड बिल्डिंग शैल लुक आफ्टर द चार्ज ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी कम डिविजन कमिश्नर फ्रॉम 3 अगस्त 2018 ऑनवर्ड्स। लेकिन अध्यक्ष महोदय आपको मेरे ख्याल से हो सकता है आपको यकीन ना हो 3 अगस्त से जी नरेंद्र कुमार छुट्टी पे हैं और मुझे अभी पता चला है कि अगस्त एंड तक छुट्टी पे हैं। तो पूरा जो डिस्ट्रिक्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो डीसी हैं एसडीएम्स हैं उनका उनको सुपरवाइज करने के लिए और ये पूरा जो एक फ्रेमवर्क है डीसीज और एसडीएम्स का ये हम कहें तो रोज ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं अलग अलग जितने भी इमरजेंसी वाले जो चीजें हैं इवन डिजास्टर जो मैनेजमेंट है कोई भी अगर कोई घटना हो जाती है कई लाखों लोग जो हैं अलग अलग एसडीएम ऑफिस में एडीएम ऑफिस में छोटी छोटी चीजें जो हम सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं तो पूरा एक रीढ़ की हड्डी जो है आज के दिन ये माहौल है कि रेवेन्यू मिनिस्टर को ये नहीं पता है कि उनका रेवेन्यू सेक्रेटरी और डिविजनल कमिश्नर कौन है। मैं अध्यक्ष महोदय सौरभ भारद्वाज जी ने काफी विस्तार में वो चीज बताई लेकिन पिछले कुछ दिनों से और स्पेशली 4 जुलाई को जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है इसके बाद मेरे ख्याल से सबने उन्होंने इनके ऊपर इतना दबाव है इतना प्रेशर है हर जो असेंबली सेशन होता है उसमें हर एक एमएलए कहता है कि मेरे यहां बस नहीं है मेरे यहां बस क्यू शेल्टर नहीं है। सभी हम 11,000 के आसपास दिल्ली में बसें होनी चाहिए आज हम 5-5.5 हजार की स्ट्रेंथ पे बसें चल रही हैं। हमने स्टैंडर्ड फ्लोर बसें 2,000 लेने का निर्णय लिया कैबिनेट से अप्रूव हुआ टेंडर हो गए कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया तो हाईकोर्ट में किसी ने कोई पीएल किया कि जी स्टैंडर्ड नहीं लो फ्लोर बसें होनी चाहिए उसमें हमें दिल्ली सरकार को डायरेक्ट कर दिया कि स्टैंडर्ड फ्लोर बसें आप नहीं लेंगे। उसके अगेंस्ट अपील फाइल होनी थी बहुत इंपॉर्टेंट विषय था आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एसएलपी तक फाइल करने से मना कर दिया कारण क्योंकि एलजी के आदेश थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई वकील एंगेज किया जाएगा तो उनके जो ऑर्डर हैं उसके तहत किया जाएगा उन्होंने जो वकील बताए थे उनके द्वारा अगर एसएलपी फाइल होगी तो होगी। 4 जुलाई के जजमेंट के बाद एज अ लॉ मिनिस्टर हमने कहा भाई ये तो पुलिस लैंड एंड लॉ ऑर्डर में नहीं आता है तो हमने वो ऑर्डर रिवर्स कर दिए कि हमने इस सरकार ने जो पहले वकील लगाए थे जो एओआर लगाए थे उस पैनल को रीइंस्टेट किया जाए। लेकिन बार बार समझाने के बावजूद भी बार बार फाइल पे लिखने के बावजूद भी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है पब्लिक इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं हम लगभग 5,000 बसों का शॉर्टफॉल है आज के दिन काफी जगह काफी इलाके और काफी कॉलोनियां काफी गांव ऐसे हैं जहां हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं उसके बावजूद भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने एसएलपी फाइल करने से मना किया। वो एसएलपी में मेरा मंत्री का एफिडेविट से वो एसएलपी फाइल हुई और हमें कुछ राहत मिली वहां से
कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप 500 बसें तो फर्स्ट उसमें आप स्टैंडर्ड फ्लोर की बसें आप ले सकते हैं। तो अलग अलग जो ये स्पीकर साहब जो एग्जांपल्स हम दे रहे हैं ये सिर्फ हम ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी जो साजिश है उसके और मेरे ख्याल से ऑफिसर्स इतने दबाव में हैं कि वो दबाव अब मंत्री भी बनाना चाहते हैं कि ये डिपार्टमेंट जो जवाब लिख के लाएगा वो ही जवाब मंत्री को देना चाहिए। मंत्री की जवाबदेही असेंबली की तरफ है। अगर आज स्टार्ट क्वेश्चंस के आंसर दिए तो एज अ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या एज अ आज लॉ डिपार्टमेंट के सवाल लगे हुए थे तो एज अ लॉ मिनिस्टर मैंने जवाब दिए, लॉ सेक्रेटरी ने आके जवाब नहीं दिए। यहां पर तो बुराड़ी अथॉरिटी का जितना भी सौरभ भारद्वाज ने जो बताया मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन ये जवाब देना कि जी नहीं ये बिल्कुल सरासर गलत है। और जब मंत्री ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को कहता है कि आप जवाब ठीक करके लाइए तो उसको उस चीज को क्या रूप दिया जा रहा है, ये भी ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है स्पीकर सर फॉर डेमोक्रेसी। हम हजारों मीटिंग करते हैं उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सेक्रेटरी का कोई ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जब एज एक मंत्री उसको ओवररूल कर देता है, जब उसको ऑन फाइल वो लिख देता है कि दिस इज आई डू नॉट एग्री और बल्कि ये होना चाहिए, तो लॉ तो सेक्रेटरी की जो ओपिनियन है वो मिनिस्टर की जो राय है उसमें मर्ज हो जाती है। ये कहीं डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट में आप कहीं किसी भी आप इंडिया छोड़िए, आप जहां भी डेमोक्रेटिक सेटअप है, जहां भी डेमोक्रेटिकली गवर्न्ड स्टेट्स हैं, आप कहीं भी देखिए, अगर मिनिस्टर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिपार्टमेंट की, और जैसा संजय जी ने कहा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एज ए मिनिस्टर जब मैं फाइल पे लिखता हूं, एज ए मिनिस्टर कोई भी फाइल पे लिखता है, तो सेक्रेटरी की जो ओपिनियन है वो कहीं स्टैंड नहीं करती। लेकिन अगर कोई सेक्रेटरी ये समझे कि उसने जो लिखा वो मंत्री के ऊपर भी है तो वो मेरे ख्याल से गलत है, ये बिल्कुल हम सहन नहीं करेंगे। मैं अध्यक्ष महोदय 2 मिनट और लूंगा क्योंकि कुछ चीजें मीडिया में चल रही थी उसको क्लैरिफाई करना जरूरी है। 3 तारीख को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये शेड्यूल है मेरा 3 तारीख का, 3 तारीख को 4 बजे ऑनरेबल ये शेड्यूल में ऑनरेबल मिनिस्टर शैल टेक ब्रीफिंग ऑफ स्टार्ट एंड अनस्टार्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। पहला सवाल जो मेरे सामने रखा गया बुराड़ी अथॉरिटी का, तो उसमें सवाल था कि कोई इरेगुलरिटीज पाई गई, तो जब जी नहीं पढ़ा मैंने तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को मैंने कहा कि जो उस दिन जो इंस्पेक्शन हुआ उसको एक बार देखिए और उसमें जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें जो इरेगुलरिटीज हैं सबको मालूम है, वहां बिना दलाल के काम नहीं हो सकता। मेरे पास तो हर रोज डेली का ये है कि हर दिन मेल पे ट्विटर पे सोशल मीडिया पे इस तरह की मेल्स आती हैं। ये आज सुबह 9:16 की मेल है, कोई मिस्टर प्रवीण कारगेती हैं उनका, फिर मैंने मोबाइल नंबर भी मंगाया, उन्होंने मेल में पढ़ रहा हूं, उन्होंने लिखा कि 8 मार्च 2018 को उन्होंने अप्लाई किया, 5 महीने के बाद भी उनको आरसी नहीं मिली, 3 बार अथॉरिटी जा चुका है लेकिन दलाल के पास इनका नंबर पहुंच जाता है, वो
कहता है जी मैं 1200 रुपए लेके ये काम करा दूंगा। तो क्या ये सब झूठ है? और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर किन ऑफिसर्स को डिफेंड करना चाहती हैं? उनका ये जवाब देना कि जी नहीं वहां सब कुछ ठीक है, तो जी नहीं जवाब तो बिल्कुल आइडियल सिचुएशन हो जाती है। एंड आई थिंक इवन एज ए ह्यूमन बींग नोबडी इज परफेक्ट। एक इंस्टीट्यूशन हाउ कैन इट बी 100% परफेक्ट? तो स्पीकर साहब मेरे ख्याल से किसी भी एक सीनियर आईएएस ऑफिसर का इस तरह से जवाब देना और मंत्री पर दबाव बनाना, कौन से डेमोक्रेटिक सेटअप में उस डिपार्टमेंट के जो एमएलओ हैं, सो कॉल्ड, मुझे नहीं पता कि इन्होंने साइन किए हैं क्योंकि उस पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, वो पता करेंगे कौन है? और ये भी बताएंगे, इस सदन के बीच में रखूंगा कि कितनी बार मैंने फाइल पे लिखा कि भाई इन अफसरों के अगेंस्ट आप इंक्वायरी कीजिए। तो एज ए मिनिस्टर तो मुझे कोई शर्म नहीं आती है कहने में कि भाई वहां ये चीज गलत है, इसको ठीक करो, क्योंकि इतने सालों से जो सिस्टम गलत चलता आया, हो सकता है उसको ठीक करने में कुछ समय लगे। मुझे मंत्री बने हुए 1 साल हुआ, लेकिन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का ये जवाब देना और बिल्कुल एडमेंट हो जाना, जवाब मैंने देना है, जवाब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने, और इस सदन के बीच जहां की सारे पूरी दिल्ली के चुने हुए यहां रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, इस सदन के बीच अगर कोई गलत जवाब देना मेरे ख्याल से इस पूरे हाउस की कंटेंप्ट है, उसकी गरिमा को नीचे करना है। तो अध्यक्ष महोदय आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं अपनी बात